हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल, और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल टाइप की वीडियो होने वाली है, और आज की वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहती हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कोलैबोरेशन से। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपने बारे में बात करना चाहूंगी। सो गाइस, दो टाइप के कोलैबोरेशन होते हैं, एक बार्टर कोलैबोरेशन और दूसरा पेड कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन में ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजती है और उसके बाद आपको ट्राई करने के बाद अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में आपको बताना होता है अपनी ऑडियंस को। और दूसरे होते हैं पेड कोलैबोरेशन, इसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी भेजती है और इसके साथ साथ वो आपको पे भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं, और मुझे लगता है इन जनरल भी ये ट्रू है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके पास ये दोनों ही टाइप के कोलैबोरेशन आते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम कोलैबोरेशन आते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी। दोनों टाइप के ही कोलैबोरेशन आपके पास आते हैं, ठीक ठाक नंबर में आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी है। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो पेड कोलैबोरेशन बहुत सारे आए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 पेड कोलैबोरेशन ऐसे थे जो फाइनल हुए थे। किस तरीके से कि जितना मैंने उन्हें चार्ज बोला था वो भी अग्री हो गए थे और सब टर्म एंड कंडीशन सब सेटल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोडक्ट भेजे, मैंने उनके प्रोडक्ट ट्राई किए और पैसे भी भेजे। 5 में से सिर्फ और सिर्फ 2, उनमें से 2 वीडियो ही मेरे चैनल पे, यानी कि मेरे चैनल पे अभी तक जितनी भी वीडियो आपने देखी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस पेड कोलैबोरेशन के चलते, या फिर मुझे कहना चाहिए स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बाकी की जो 3 थी उनके प्रोडक्ट मुझे अच्छे नहीं लगे। सो गाइज, मेरा एक रूल है, चाहे पेड कोलैबोरेशन हो चाहे बार्टर कोलैबोरेशन हो, जब तक प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगेगा तब तक मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगी अपने चैनल पे, उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगी, चाहे मुझे उनके प्रोडक्ट वापस करने पड़े चाहे मुझे पैसे भी वापस करने पड़े। तो यही मेरे साथ 3 जो पेड कोलैबोरेशन बाकी के थे उनका इनके साथ हुआ था। तो मेरे चैनल पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 स्पॉन्सर्ड वीडियो है। और एक और भी बात, आप मेरी हर एक वीडियो के नीचे एक डिस्क्लेमर देखते होंगे, डिस्क्लेमर है जिसकी पहली लाइन है दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। तो जितनी भी जो भी वीडियो मेरी स्पॉन्सर्ड होगी उसमें आपको वो डिस्क्लेमर वाली पहली लाइन नहीं दिखाई देगी। तो अगर मेरी कोई भी वीडियो बाय चांस स्पॉन्सर्ड होगी तो मैं वो लाइन हटा देती हूँ। तो इसलिए आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लिया कीजिए, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने रिव्यू शेयर करती हूँ। अब बात कर लेते हैं बार्टर कोलैबोरेशन की। तो मेरे पास गाइस बार्टर कोलैबोरेशन की जो डील्स होती है वो बहुत कम हो पाती है, क्योंकि जब भी बार्टर कोलैबोरेशन होता है तो उनके साथ मेरी कंडीशन ये होती है कि भाई आप मुझे, मैं एग्री हूँ बार्टर कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मुझे प्रोडक्ट्स भेजेंगे और मैं उन्हें ट्राई करूंगी तो उनकी रिव्यू वीडियो मैं जरूर शेयर करूंगी, चाहे और वो भी चाहे प्रोडक्ट अच्छे हो या खराब हो, और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। तो इस टाइम पे उन्हें ये दिक्कत होती है कि नहीं नहीं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकती हैं। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है कि ठीक है, आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कीजिए, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का सिर्फ जो आपको अच्छे लगे। जो प्रोडक्ट आपको अच्छे नहीं लग रहे उनके बारे में आप चुप रहिए। लेकिन मेरे साथ यही होता है कि अगर आप बार्टर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो मैं आपके प्रोडक्ट यूज भी करूंगी और रिव्यू वीडियो जरूर शेयर करूंगी, और वो भी अपने ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। तो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन, एटलीस्ट मेरे साथ। तो इसलिए बार्टर वाली जो डील्स होती है वो कम हो पाती है, और पेड भी कम ही हो पाती है, क्योंकि पेड में भी मेरा यही रहता है कि भाई प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी मैं रिव्यू वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन बार्टर के साथ यह है कि आप मुझे प्रोडक्ट भेजेंगे तो मैं रिव्यू वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो ये हो गई कोलैबोरेशन की बात। अब बात करते हैं कि मेरे जो रिव्यूज होते हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ, किसी भी एरिया में आपको पता है ऑनेस्टी के साथ काम करना एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट है। रिव्यू वीडियो मतलब आपके चैनल पे आप बहुत इजीली झूठ बोल सकते हैं, बहुत इजीली किसी भी प्रोडक्ट की झूठी तारीफ कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा सेफ भी है। यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ आपके साथ। मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया था, निगेटिव रिव्यू। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का निगेटिव रिव्यू शेयर करती हूँ, जो भी मुझे पसंद नहीं आते मैं आप लोगों के साथ साफ साफ मैं आपको बता देती हूँ। तो ऐसा एक रिव्यू मैंने ऐसा शेयर किया था आपके साथ। उसके बाद क्या हुआ,
कि उस वीडियो को, और ये बहुत पुरानी बात है, लाइक 6-7 महीने पहले की बात है, जब मेरे चैनल पे आई गेस सिर्फ 2000 के करीबी सब्सक्राइबर थे उस टाइम की बात है, तो मेरे पास सेम ब्रांड का 6-7 दिन बाद एक मेल आया कोलैबोरेशन के लिए। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे उस ब्रांड का और प्रोडक्ट ट्राई करने का मन नहीं था, क्योंकि वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसीलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। और मुझे ये भी पता था कि भाई बार्टर कोलैबोरेशन होगा, मैं जैसी अपनी कंडीशन रखूंगी तो वो लोग मना कर देंगे। और अभी अभी जस्ट तभी मैंने 4-5 दिन पहले एक प्रोडक्ट का उनका निगेटिव रिव्यू शेयर किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं बोलूंगी क्या, तो इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उनका बार बार जो मेल है, रिमाइंडर मेल आता रहा, तो उसके बाद मैंने बोला। तो वो जो ब्रांड जो मेल उन्होंने भेजा था वो था कोलैबोरेशन के लिए, उन्होंने मेरी सारी डिटेल ले ली, फोन नंबर वगैरह सब कुछ ले लिया। उसके बाद उनका मेरे पास आया कॉल, तो फिर कॉल आया तो उन्होंने बोला कि भाई आपने ऐसे ऐसे एक रिव्यू वीडियो शेयर किया अपने चैनल पे और क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि भाई मेरे साथ ये सब सीन हुआ, तो मैंने सेम अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि वो जो प्रोडक्ट था वो मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा था, जो मेरे साथ हुआ था मैं लाइव क्लिप्स के साथ अपनी वीडियो में दिखाया था सब कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, मेरा ब्रांड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप की का कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे धमकी दी कि या तो आप वो वीडियो चैनल से हटा दीजिए, नहीं तो हम अपनी लीगल टीम से बात करेंगे। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद मुझे डराने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, 2 दिन बाद उस ब्रांड ने मुझे कोर्ट से नोटिस भेज दिया। कैन यू इमेजिन कि मेरा चैनल जस्ट अभी शुरू ही हुआ था और क्यों भेजा गया मुझे वो नोटिस, क्योंकि मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू उसके बारे में बोला था। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पे भी अगर आप ऑनेस्टली कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। भाई मेरी रातों की नींद उड़ गई। आप सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास अचानक से कोर्ट से नोटिस आ जाए और 7 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना हो, आपको लॉयर हायर करना है, सब कुछ करना है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करो, कहां जाओ। सो गाइस 7 दिन के अंदर अंदर मैंने लॉयर हायर किया, मैंने नहीं, ऑब्वियसली उस टाइम मैं घर पे थी तो सब कुछ मेरे पापा ने संभाला। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ, और हाँ एक और भी बात आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक भी मैं वो केस के सिलसिले में उलझी हुई हूँ, भले ही वो कर मेरे हैंडल वो मेरे पापा कर रहे हैं, बट जी हाँ गाइस फिलहाल एक कोर्ट केस चल रहा है। तो ये हो गई बात, मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई वो फिर से मेरे साथ क्या करते। तो उसके बाद हाँ ये बात सच है कि मैं बहुत डर गई थी, कुछ भी निगेटिव बोलने से पहले कुछ महीने तक तो मुझे बहुत डर रहा। तो इसीलिए अगर कोई प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं भी आता था तो मैं उसका रिव्यू शेयर नहीं करती थी, कि मैं कहती थी कि भाई जान पे, मतलब आप ऑनेस्टी के लिए जेल मैं नहीं जाना चाहूंगी, कि जस्ट बिकॉज कि आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो और उसमें आप अपनी ऑडियंस को सच बोल रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, आपके ऊपर एक कोर्ट केस हो गया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। उससे बेटर होगा कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं। तो गाइज प्रॉब्लम पता क्या होती है, दिक्कत तब होती है कि जब आप ये सब कुछ करो बहुत ऑनेस्टी के साथ, ये सब कुछ सफर भी कर रहे हो और उसके बावजूद भी आपके रेगुलर सब्सक्राइबर और जो लोग आपको बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट ना करें, और जब भी आप कोई भी पॉजिटिव रिव्यू शेयर करो और आपको सुनने के लिए मिले भाई ये तो प्रमोशनल वीडियो है, इसने तो ब्रांड से पैसे लिए, तब मुझे खराब लगता है। क्योंकि गाइस मैं जितना हो सकता है, मतलब जितना नहीं, जितने भी रिव्यू मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ट्रस्ट मी उनमें इतना सा भी झूठ नहीं है। ये हो सकता है कि मैंने बहुत ब्लंटली ना बोला हो उस दिन के बाद, उस इंसिडेंट के बाद से मैंने अपने जो रिव्यूज हो गए उनके उन शब्दों को बदल दिया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंचे, सच बात आप तक पहुंचे। तो ये हो गई 2 बातें, एक हो गई ऑनेस्टी की और दूसरा मैंने आपको कोलैबोरेशन का भी अपना पूरा सीन बता दिया है कि मेरा कोलैबोरेशन के साथ, मेरे ब्रांड्स के साथ क्या डील होती है, कैसे होती है, मैंने आपको सब बता दिया, बार्टर कोलैबोरेशन भी और पेड कोलैबोरेशन भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद यकीन हो जाएगा कि भाई जितने मैं रिव्यू एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पॉजिटिव या निगेटिव, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऑनेस्टी के साथ शेयर करने की। लेकिन हाँ इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँ वो आपको सूट ना करे, और या फिर जो प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड ना करूँ वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करे, क्योंकि आपको पता है सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, वेदर कंडीशंस अलग अलग होती हैं। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है बहुत सारा ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट हैं जो घर पे मेरे लिए काम कर रहे थे और यहाँ पे नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे थे जो यहाँ पे मेरे लिए काम कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं घर पे गई
एक सेम इंसान के साथ भी एक ही प्रोडक्ट जब वेदर कंडीशन चेंज होने पर बदल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्किन केयर किस हद तक सब्जेक्टिव होते हैं। तो कोई भी यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर सकता है। कंपोजिशन मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या करता है, तो ये ही मैं कर सकती हूँ और यही मैं पूरी ऑनेस्टी पूरी ईमानदारी के साथ अपना सारे के सारे रिव्यूज आज तक जितने भी शेयर किए हैं पूरी ईमानदारी के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए अब मैं बताऊंगी अपने पर्सनल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। किसी ने मुझसे पूछा था कि अपने बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए। तो गाइज एजुकेशन की बात करूं तो मैं पीएचडी कर रही हूं और मेरी पीएचडी जस्ट लास्ट फेज में चल रही है। मैं मैथ से पीएचडी कर रही हूं। एज की बात करूं तो मैं 30+ हूं, मैरिड हूं, एक साल हुआ है मेरी शादी को, जस्ट लास्ट ईयर जून में आई गॉट मैरिड। और इसके अलावा क्या बताऊं, एजुकेशन मैंने बता दी, एज भी बता दी, अपना स्टेटस भी बता दिया, रिलेशनशिप स्टेटस भी मैंने बता दिया। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया था। तो गाइस यूट्यूब चैनल एकदम सच सच बोल रही हूँ, यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए शुरू किया था कि पहले मैं यूट्यूब पे सीरियल देखती थी। मुझे सीरियल देखने का, रोमांटिक सीरियल देखना मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग सुनना ये सब मुझे बहुत पसंद है। मूवीज देखना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है, मूवी बहुत लंबी होती है, इसलिए मैं थोड़ा मूवी देखना अवॉइड करती हूँ। तो मुझे बहुत अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले मुझे ये पता चला था कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियो डालते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं। तो बहुत ही अजीब सी बात है, मुझे ये आज तक नहीं पता था। और फिर मुझे ये भी पता चला धीरे धीरे कि ब्रांड आपको सामान भेजती है, जो सामान आप खुद से खरीदते हो। कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल अपना स्टार्ट कर लो क्या होता है, कैसे करना है, ये सब मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे इतना पता चला था नया नया कि अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट कर लो तो ब्रांड आपको सामान खुद से भेजने लगेगी और यूट्यूब भी आपको पैसे देगा। तो आई वाज सो सरप्राइज कि ऐसा हो सकता है क्या। फिर मैंने धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया, ये रियलाइज किया कि आकांक्षा ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जिसमें तुम अगर कुछ दिन तक काम नहीं भी करो तब भी आपको पैसे मिलते रहे। तो मैं बहुत बहुत खुश थी और मुझे ये एक्सपीरियंस करना था कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो इसीलिए 2018 में अक्टूबर में मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और मैंने जो मेरी पहली वीडियो बनाई थी वो मैंने मेरे लैपटॉप के वेबकैम से बनाई थी, मुझे कोई एडिटिंग का आइडिया नहीं था कैसे वीडियो एडिट करते, मैथ की स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तो लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया, तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गई कि मुझे मजा आने लग गया क्योंकि लोग देखते थे, कमेंट्स आते थे, तो मुझे ये सब करने में बड़ा मजा आने लग गया। उसके बाद 1 साल के बाद मेरा वो चैनल बंद हो गया क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता थी, तो मैंने एक मूवी की क्लिप अपने चैनल पर डाल दी, तो इस वजह से वो चैनल बंद हो गया। उसके बाद लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस जुड़ गया था तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई थी यूट्यूब के बारे में, कैसे रिव्यू शेयर करते हैं, कौन कौन सी चीजें आप अपने चैनल पर डाल सकते हो, कौन कौन सी चीजें गलत हैं, कौन सही है, ये सब मुझे पता चल गया था। तो इसीलिए अक्टूबर में लास्ट ईयर मैंने मेरा ये चैनल स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं 1 साल के बाद मैं यहाँ पर हूँ। तो बस यही जर्नी थी छोटी सी कि यूट्यूब का चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो बस यही रीजन था, एकदम सच सच बता रही हूँ कि मुझे बस ये पता चला था कि अगर आप यूट्यूब पे रिव्यू शेयर करो, अपनी कुछ वीडियोस बनाओ तो आपको पैसे मिलते हैं और ब्रांड भी आपको सामान भेजती है, जो सामान आप खुद पैसे दे के खरीदते हो वो आपके पास फ्री में आने लगते हैं। तो बस इसीलिए यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया। लेकिन हाँ अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब करने में मजा आने लगा, करते 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 मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये काम। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे पैसे का कोई शौक नहीं है या फिर अगर मेरे पास कोई पेड कोलैबोरेशन आता है तो मैं एकदम मना कर दूं, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है। बस वही मेरी टर्म एंड कंडीशंस हैं कि मैं कुछ भी झूठ या फिर किसी भी गलत प्रोडक्ट को आपके साथ प्रमोट नहीं करूंगी। हर दूसरे या तीसरे दिन में पहले कंटेंट क्रिएट करती हूँ, रिसर्च करती हूँ उसके बारे में कि कौन से इंग्रेडिएंट कैसे हैं, कुछ दिन तक
वो प्रोडक्ट यूज करती हूँ, उसके बाद अपने वर्ड्स में सोचती हूँ कि मुझे कैसे वो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसमें मेरा बहुत टाइम जाता है। आपको जो 10 मिनट की या 7 मिनट की वीडियो देखने के लिए मिलती है उसके पीछे मेरी 2-3 दिन की मेहनत होती है, और उसके बाद 3-4 घंटे मुझे लगते हैं वो वीडियो को शूट करने में। ये मेरी पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें मैंने सबसे कम टाइम लिया, नॉट पहली, स्टार्टिंग में जो मेरी वीडियो थी जब मुझे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, तब मैं बहुत फॉर्मल तरीके इनफॉर्मल तरीके से बोलती थी। लेकिन हाँ, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से और एकदम टू द पॉइंट मैं बात करूँ अपनी रिव्यू वीडियो में। तो मुझे लगता है कि बस इतने ही सवाल मुझसे आप लोगों ने पूछे थे, और मुझे मेन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना था कि गाइस यूट्यूब पे ऑनेस्ट बने रहना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ज्यादा इजी है कि आप झूठ बोलो, आप बिना मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। ब्रांड भी खुश रहेंगी, आप भी खुश रहोगे, आपके पास नए नए ऑफर्स भी आते रहेंगे, आपको यूट्यूब से भी पैसा मिलेगा, ब्रांड से भी पैसा मिलेगा। लेकिन जहां आप सोचोगे कि ऑनेस्टी के साथ कुछ काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, चाहे आप किसी भी एरिया में देखो, वो डिफिकल्ट होता है। मेरे लिए भी है, लेकिन फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, रही बात स्पॉन्सरशिप वाली, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्लेमर में आप वो पहली लाइन चेक कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।